जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है उसके तहत और जो भी पदाधिकारी इस योजना में इन्वॉल्व हैं उन सबके सहयोग से हम बहुत सारे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन कर पा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी इस कदर इतनी सीवियर स्टेज में पहुँच जाती है तब वो हमारे पास, परंतु इस योजना के माध्यम से ऐसे लोगों का हमने ऑपरेशन किया है जो उनको पता नहीं हार्ट क्या होता है, हृदय क्या है, वो तो सांस फूलने की तकलीफ से आ गए, पाँव में सूजन आ गई, रक्तचाप चल नहीं पा रहे, थकान होती है। फिर जब वैल्यूएशन पाया जाता है कि इनको तो हार्ट की तकलीफ है, फिर वो हमारे पास आते हैं और बिल्कुल निःशुल्क बिना पैसे लिए मैनेजमेंट और सरकार दोनों ऐसे मरीजों की हेल्प करती है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट सिमिलर पेशेंट हु वाज सफरिंग फ्रॉम रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये डिजीज हमारे अभी दक्षिण राजस्थान में बहुत कॉमन है, गाँव में कस्बों में ओवरक्राउडिंग की वजह से इन्फेक्शन है इसका मुख्य कारण। तो दिन का मन लग जाता है, थकान होती है, रात को नींद नहीं आती है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है लक्षण और बढ़ जाते हैं और कई बार ऐसे मरीज हॉस्पिटल में हार्ट को फिर चालू हो जाते हैं और मरीज का ऑपरेशन होने के बाद मरीज को आईसीयू में। इस केस में भी हार्ट का वाल खराब था, उसको हमको हार्ट का वाल बदलना था। तो अब इस केस में ऐसा क्या खास हुआ? तो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। तो ये पहला सक्सेसफुल अपने पूरे स्टेट का ऑपरेशन है। ये मरीज हॉस्पिटल में ऑपरेशन एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद वार्ड में अरेस्ट हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसका हार्ट बंद हो गया। तो हमारी टीम पूरी हॉस्पिटल मौजूद रहती है 24/7। तो हमारी टीम के जो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं उसको जैसे ही मालूम पड़ा, स्टाफ ने बताया, तो तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने उसका कार्डियक मसाज, जिसको CPR बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन, वो उन्होंने शुरू की और आधा घंटा लगा मरीज के हार्ट की बीट वापस आए। अब हार्ट की बीट वापस आ गई, हार्ट पहले ही बीमारी से जूझ रहा था तो हार्ट पहले से कमजोर था, तो CPR के बाद और कमजोर हो जाता है। अब मरीज हमारे पास ऑपरेशन के लिए आया, उसके साथ ऐसा हो गया, तो परिवार के जो सदस्य हैं अभिभावक हम कैसे लगा हमारा मरीज चला गया, तो वो बोले डॉक्टर साहब हमारी तो छुट्टी कर दो, हमारा मरीज खुदा नहीं वेंटिलेटर चला गया तो हम घर भेज दो। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मरीज का CPR हो चुका है, हार्ट की एक्टिविटी वापस आ गई है, तो अभी इसको हम पूरा इलाज करेंगे, पूरी कोशिश करिए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, टेंशन मत करें। तो अभी इसको घर भेजना समझ नहीं, हम नहीं भेजें। वो गाँव के लोग कह रहे, उनको जितनी समझ उन्होंने अपने हिसाब से बात की, तो हमने भी उनको बिठा के समझाया कि ऐसा नहीं, तो समझ गए वो, ठीक है डॉक्टर जैसा आपको ठीक लगता है आपके। तो फिर इस पेशेंट को ऑपरेशन के लिया गया, ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन जो रूटीन में करते हैं हमने कर दिया, वॉल रिप्लेसमेंट तो रोज करते हैं, इसका भी कर दिया वॉल रिप्लेसमेंट। अब वॉल रिप्लेसमेंट करने के बाद जो हार्ट टच मशीन पे मरीज के हार्ट को कनेक्ट करते हैं, तो हार्ट की बीटिंग चलना, हार्ट का जो धड़कन है, हार्ट की पंपिंग है बहुत कमजोर, तो हार्ट की पंपिंग चलना, तो मरीज को OT से वापिस के चले, BP नहीं आ रहा उसका, BP नहीं आ रहा तो मरीज को OT में ही चला गया, OT में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमारे को ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ECMO क्या है, एक राइट साइड पे फोटो है जो कि मशीन में जाता है और मशीन में उसमें ऑक्सीजनेटर है, ऑक्सीजन मिक्स करने का आर्टिफिशियल लंग है, तो उसमें ऑक्सीजन से मिक्स होकर के ये ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी को भेज दिया जाता है। तो लंग उपलब्ध है क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ने हमारे को एक मशीन हमारे पास है और ये मशीन यहाँ पड़ी हुई है, इट्स अ वेरी स्मॉल मशीन, कैन बी ट्रांसपोर्टेड, पोर्टेबल है, कई बार मरीज को शिफ्ट करना हो, कोई मरीज नहीं हो, एकदम अरेस्ट हो गया और रिवाइव चल रहा हो, तो उसको फटाफट मशीन डाल दें तो कुछ समय मिल जाता है शिफ्टिंग का, एक्शन का, ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने का। तो दिस इज ECMO मशीन। अब ये पेशेंट क्या था, एक 15 साल का मरीज अपने जानवर का रहने वाला है पास में और हमारे पास एडमिट हुआ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है उसके तहत। अब इसको बीमारी थी, दिल की धड़कन तेज होना, थकान हो जाना, सीने में दर्द होना, काफ़ी ज़्यादा इसको पसीना आना, सांस फूल जाना, 1 साल से इस तकलीफों से दूर रहा। फिर अब पेशेंट का हमने जांच किया, जांच करने मालूम पड़ा, इको जब की गई कि हार्ट के 4 वाल में से 2 वाल बहुत ज़्यादा खराब, 2 वाल लीक कर रहे हैं, 1 वाल तो बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है, दूसरे वाल में कम लीकेज है और उसके साथ साथ हार्ट के जो पंपिंग चैम्बर हैं वो भी काफ़ी कमजोर हो गए। तो अब जब इको करके देखते हैं हम, इको में हमारा मालूम पड़ जाता है, अभी आपको इको दिखाएंगे इको का वीडियोग्राफी, कि
हार्ट कैसे दिखता है उसमें, ये हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो ब्लड का फ्लो उसमें लीक कर रहा है, हार्ट के चैम्बर में वापस आ रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हमको मन पड़ गया कि दोनों वाल्व खराब है, दोनों वाल्व को अपने को ठीक करना है। तो ये तो उस बच्चे की ऑपरेशन से पहले की वो है। तो डिसाइड किया कि उस बच्चे का जो दो वाल्व खराब है उसमें से एक वाल्व को बदलना पड़ेगा और दूसरे को ट्रीट करना। तो हमने उस बच्चे को ऑपरेशन के लिए प्लान किया, ऑपरेशन के लिए एडमिट किया। और ऑपरेशन से पहले जब एडमिट करते हैं सारा इवैल्यूएशन, ऑप्टिमाइजेशन, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, ब्लड ग्रुप क्या है, लीवर किडनी फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, सारा इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद फिर मरीज को ऑपरेशन करते हैं। अब मरीज को जब ऑपरेशन के एडमिट था तो ड्यूरिंग सडनली वन फाइन डे ही हैड कन्वर्सन्स, उसको फिट्स आ गए, दौरे आ गए और वो अनकॉन्शियस हो गया और उसके हार्ट की बीट बंद हो गई। तो हमारे डॉक्टर साहब वहीं मौजूद थे, उन्होंने फिर उसका सी पी आर चालू किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन। ये आम आदमी को भी आनी चाहिए, जैसे कोई बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, कहीं अपने किसी ऑफिस में किसी को अरेस्ट आ गया तो उनसे सी पी आर तो बनाना चाहिए। ये ट्रेनिंग हमारी गांधी में दी जाती है, हर साल हम कम से कम 4-5 ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आम जन को सी पी आर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो पेशेंट को इंट्यूबेट किया गया, उसको सी पी आर मसाज की गई और वो रिवाइव हो गया। रिवाइव का मतलब क्या, उसका हार्ट वापस आ गया, धड़कन वापस आ गई और उसका शरीर में खून का जो प्रवाह है सुचारू रूप से दोबारा चालू हो गया। अब इस पेशेंट का देखा गया कि अरेस्ट हो गया, इसका ब्रेन काम कर रहा है नहीं कर रहा, ऑपरेशन करेंगे नहीं करें इसका, तो ब्रेन भी एक्टिव हो गया, उसने आँखें वहाँ खोल दी। तो हमको लगा अब तो बच्चे को भगवान को बचाना जा रहा है और एक बार अरेस्ट भी बाहर आ गया, तो वी हैव टू डू इज ऑपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि इसकी जो मेन बीमारी हो वो तो खत्म हो जाएगी, दोबारा अरेस्ट नहीं हो जाएगी। तो उस पेशेंट को ऑर्टिक लेने से पहले इसमें प्लेटलेट कम हो रहा, काफ़ी कम हो गए, तो प्लेटलेट ड्राई प्लेटलेट कम को ठीक किया, उसके बाद फिर मरीज को ऑर्टिक मिली। ऑप्टिमाइज करने के बाद ऑर्टिक में लिया, तो ऑर्टिक में जैसे जस्ट होते हैं ऑपरेशन करते हैं तो इसका जो दिल था दूसरे मरीजों को करने में, जो हम रूटीन में वाल रिप्लेसमेंट करते हैं, इनका हार्ट काफ़ी सूजा हुआ और दिल की जो तीनों दीवारें होती हैं आपने बहुत सीखी हुई, तो इट बिकम्स अ सर्जिकल चैलेंज कि उसको हार्ट को खोल के उसका ऑपरेशन करना टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ठीक है अब जो हमारे सामने अपने करना ही। तो हमारी पूरी टीम इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहती है एंड पास्ट में भी ऐसे कई सारे मरीज हम ऑपरेशन करके निकल चुके हैं, तो हमें यही निकल जाएगा। तो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके इसका जो हार्ट का वाल्व था खोल के उसको वाल्व को खराब वाल्व को निकाल के नया वाल्व डाल दिया और जो आर्टिफिशियल वाल्व होते हैं उसको डाल दिया। और डालने के बाद जब पेशेंट को हार्ट बैंक मशीन से हटाने की बारी आई, अब तो ऑपरेशन हो गया, अब हार्ट बैंक मशीन से हटा लेते हैं, और जैसे मशीन धीरे धीरे कम करें और हार्ट पर लोड में तो हार्ट तो लोड ही हार्ट पर ट्रेंड लेते हैं, बहुत पुअर पंपिंग। अब उस पुअर पंपिंग के समय हमारे पास कुछ दवाइयाँ होंगी जिसको आयरन पर बोलते हैं, वो हम दे देते हैं, उससे भी फायदा नहीं होगा। फिर एक इंट्राओटिक बलून को मशीन आती है, वो ऐसी तीन मशीनें हमारे पास हमारे रोटीन में यूज होती है, तो वो मशीन हम सारे इसको डाल देते हैं, उससे थोड़ा फायदा हो जाए। तो बलून मशीन डाली उससे भी मरीज के हार्ट की पंपिंग में कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर हमको लगा अब तो वही There is no other option but to do. फिर हम सोचते रहते हैं कि अब इस मरीज में बट नेक्स्ट नहीं, अब इसको क्या करें, इस जान बचाए बेचारा 14 साल का बच्चा, बाहर परिवार वाले रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या है इसको यहाँ उदयपुर में बट एक्स्ट्रा नहीं। फिर हमारे पास क्या है, ट्रांसप्लांट का इंस्पेक्शन हुआ था, ट्रांसप्लांट परमिशन आई, एक्मो मशीन बड़ी थी हमारे पास, तो मैंने कहा इसको एक्मो में डाल के देखते थे बच जाए किस्मत है, नहीं तो अपना कम पूरी कोशिश ले सकते। तो होल टीम वॉज वेरी सैड, वो सिनेरियो होती का ऐसा होता है जब इस सब के रूप में आता है कैसे ना कैसे करके बच्चा निकलता है बाहर, मतलब कौन जाए और ठीक होता है। फिर एक्मो मशीन ओटी की भारी पड़ी होती है तो उसको ओटी में अंदर लाया गया। हमारे जो परफ्यूजिस्ट होते हैं जो एक्मो मशीन को चलाते हैं वो ओटी में रहते हैं, क्योंकि हार्ट बैंक मशीन भी वही चलाते हैं, एक्मो मशीन भी वही चलाते हैं, तो वो 3 लोग हैं हमारे पास। तो उन्होंने फटाफट सर्किट एस्टेब्लिश किया, 5-10 मिनट में उन्होंने सर्किट बना लिया और मशीन को फिर पेशेंट की बॉडी में हमने कनेक्ट कर दिया। ये उसका पेशेंट का जब हमने वाल रिप्लेसमेंट कर दिया उसको, हमारे इको मशीन होती है ओटी के अंदर, तो उसमें उसका इको करके देखते हैं। तो इको में हमने देखा कि हार्ट की जो पंपिंग है बहुत ही पुअर है, अब हार्ट बिल्कुल स्लो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, नॉट एबल टू जनरेट इवन 50 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर होता है 120-130 के ऊपर, 50 का प्रेशर भी नहीं आ रहा, तो वैसा मरीज बाहर जाते हैं खत्म। तो इस इको के बेस पर एक्मो डाल देते हैं। तो अब ये पेशेंट को एक्मो डाला और एक्मो डालने के बाद
फिर उस पेशेंट को हमने आइसोलेशन किया। अभी उसको कंप्यूटर पर हम कोई फोटो नहीं ले सकते थे, ना ही ले पा रहे थे, ना ही हमारा ऐसा कोई बोल रहा है कि फोटो लेनी है, क्योंकि वी ऑल वर इन्वॉल्व कि पेशेंट कैसे बच जाए। तो पेशेंट को जब एयरपोर्ट डाल दिया, फिर बोला नाउ वी आर एट लीस्ट सेफ, वी कैन शिफ्ट द पेशेंट आउट ऑफ द ओटी। तो ओटी से जब आईसीयू में शिफ्ट हुआ, हमारे पास एक ट्रांसप्लांट आईसीयू अलग से बना था हमने, जहाँ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट को आईसीयू में रखा होता, वो सबसे क्लीन एरिया होता है हमारे हॉस्पिटल का, हमारे क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा बिल्कुल मिनिमम होता है। तो इस पेशेंट को हमको लगा एयरपो में डाल दिया, तो अब इसको ट्रांसप्लांट आइसोलेशन करते हैं। तो वहाँ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है, 24/7 हमारे सारे स्टाफ रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक। तो वहाँ शिफ्ट किया, अब उसका वीडियो दिखाता हूँ। पेशेंट का आईसीयू का फोटोग्राफ, इको की मशीन और पीछे जो ब्लू कलर की इतने सारे पंप दिख रहे हैं, उसमें पेशेंट को कंटिन्यूस 24 घंटे दवाइयाँ जा रही हैं। तो अब इस पेशेंट का वीडियो देखिए आप, जो उसको एक्पो डला हुआ, आपने दिखा था एक्पो दिखती कैसे। जैसे ओटी से पेशेंट बाहर आया, तो ये पेशेंट को बोला जीप दिखाओ भाई, ये अवेक हो गया, आंखें खोली इसने, तो उन्होंने लगा कैथली ब्रेन तो डिटेक्ट कर दिया, एक्पो से बच गया, पेशेंट इज नाउ अलाइव, तो वी हैव टू वर्क मोर ऑन दिस पेशेंट। तो अब ये पेशेंट की टांग में अगर आप देखें, दो पाइप दिख रहे हैं, ब्लू और एक रेड। ब्लू पाइप से तो ऑक्सीजन वाला ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है मशीन पर जाएगा, और रेड पाइप से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो मशीन से होकर के आ रहा है वो पेशेंट के अंदर वापस दे जाएगा। तो इन दो पाइप की वजह से ये भी एक ऑपरेशन है, ये पाइप सीधा मशीन में कनेक्ट हो गया, ये एक्पो मशीन ये पड़ी यहाँ, तो इसमें कनेक्ट किया और इस मशीन से फिर वापस खून का सर्कुलेशन। अब दिस पेशेंट इज अलाइव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्मो मशीन, एंड वी आर वेटिंग कि इसका हार्ट धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाए और लंग इम्प्रूव हो जाए और इस मशीन को हटाना है। तो और ये आईवीपी मशीन है, ये आईवीपी मशीन के हार्ट को सपोर्ट करती है। तो ये दो मशीनें फिर पेशेंट मेंटेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हमारी टीम कर चुकी है, पर एक्मो का जो एक्सपीरियंस था सर्वाइवल का पोस्ट CPR पोस्टमार्टम रिप्लेसमेंट, ये पहला था। तो टीम के सभी सदस्य एंथुजियास्टिक थे और तन मन धन से मरीज के, सिंगल पेशेंट इनका ट्रांसप्लांट आईसीयू ओनली, एंड होल टीम मेंबर वर कंसंट्रेटिंग ओनली एंड ओनली फॉर दिस पेशेंट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट की काफी सुधार हो गई, ये ऑपरेशन की जब एक्मो मशीन डाली उसके बाद का एक्मो है, की पंपिंग इंप्रूव हो गई, बीच में वाल लग रहा है, राइट पॉइंट जो मूवमेंट कर रहा है। तो अब पेशेंट एक्मो के बिना जिंदा रह सकता है, तो एक्मो हटा दिया। उसके बाद अगले दिन फिर हमने इसका बलून पंप मशीन हटाई और उसके अगले दिन हम इसको वेंटिलेटर से हटाया, धीरे धीरे सारी सपोर्ट एक एक करके हटाई, ताकि अगर कोई सपोर्ट हटा रहे हैं तो एकदम कुछ मुश्किल में पड़ जाए, तो दो सपोर्ट तो हमारे पास रहे। और एक्मो को भी जब हटाया तो उसके बाद भी अपने मरीज को थोड़ी देर मशीन के साथ स्टॉप करके देखा, ऑब्जर्व किया कि हटाने से दिक्कत तो नहीं आई। अब ये पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, उसी आईसीयू में हमने इसको बोला चल के दिखाओ, नाउ यू आर हैप्पी, यू आर नॉट एबल टू वॉक, ऑपरेशन से पहले वॉक ही नहीं कर पाते थे, नाउ दिस पेशेंट इज वेरी हैप्पी, हमारा स्टाफ के साथ ये आईसीयू में घूम रहा है और ये उसका वीडियो है जब वो चल रहा है। और जो कि ये पूरे राजस्थान का पहला ऐसा एक्मो पे सर्वाइवल हुआ पेशेंट, जो दो बार जो कि जा चुका था ऊपर। तो हमारा जितना भी स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, ओटी का स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, हमारे कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, दे वर वेरी वेरी, तो सब ने अपने अपनी फोटो खिंचवाई स्पेशल किया, बिकॉज इट वॉज अवर फर्स्ट एक्मो सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। तो दीज आर द फ्यू फोटोग्राफ ऑफ आवर टीम, एनेस्थेटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ओटी स्टाफ, आईसीयू स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट। तो कुछ लोग तो उनमें से हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं और कुछ लोग अभी आईसीयू में और हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट आईसीयू में पड़े हैं। तो उस सर्किट चलता रहे, ब्लड फ्लो ना हो, हर 2 घंटे ब्लड की जांच करवाना, उस ट्यूब की कहीं क्लिकिंग नहीं हो जाए, पेशेंट की मूवमेंट से ट्यूब कहीं बंद नहीं हो जाए, तो ब्लड फ्लो में ऑपरेशन नहीं हो जाए। तो ये हमारे सारे स्टाफ पैथोलॉजिस्ट जो हैं 24 घंटे पेशेंट के पास रहे, हमारे आईसीयू के स्टाफ जो इंचार्ज हैं वो 24 घंटे पेशेंट के पास रहे, नोबडी वेंट होम। और 3 डेज पेशेंट के साथ रहना, सोना नहीं, खाना पीना हॉस्पिटल में, घर नहीं जाना और अपनी ड्यूटी बहुत मुस्तैदी से करना, ताकि किसी की जान बच जाए। तो इस मोटो के साथ पूरी थैंक यू डॉक्टर गांधी सर। सभा के दौरान जो समय की पॉसिटिव होने के कारण रिक्वेस्ट हमारे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि
एग्री पर डिस्कस करने का सर नहीं, इंस्टेंटली सर ने बोला कि जो ऑब्जेक्टिव है जिस चीज़ के लिए आप ये कर रहे हो वो तो आप यहाँ जिला प्रशासन का जो उद्देश्य है उसको सक्सेसफुल करने के लिए आप सब यहाँ बता रहे हैं। मैं एक बार पुनः हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्री तारा सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने विचारों का उद्देश्य। सबसे पहले तो मैं मीडिया को अर्ली मॉर्निंग उनको आने में असुविधा रहती थी, इसके लिए मैं अपने दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इस सोशल कॉज के लिए कवरेज के लिए आप अर्ली मॉर्निंग में आए। जैसा कि सभी को उम्मीद है कि गीतांजलि हॉस्पिटल सामाजिक सेवा की योजनाओं में हमेशा आगे ही रहा है, न केवल बेहतर इलाज हमारे को उससे मिलता है, साथ ही जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपने बताया तो मीडिया के साथियों के माध्यम से इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ये राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण स्कीम है, प्रावधान है। राज्य सरकार ने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ और चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से एक निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। और ये जो अपने झाड़ों आदिवासी का बच्चा है इसके बारे में आपने डॉक्टर गांधी साहब ने डिटेल में आपको अप्रेज कराया है, इसका भी कवरेज इस योजना के अंतर्गत है। मैं इस अवसर पर मेरे मीडिया के साथ से यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आम जन की अपील की कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत कराएँ। अभी भी हमारे जिले में लगभग 1,25,000 परिवार है जिनका पंजीयन होना चाहिए था, वो पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है। हमसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहते रहे हैं, समझाइश भी करते रहते हैं। कल भी मैं परसों भी मैं नरेगा कामों की चेकिंग में गया था, तब भी मैं जो लेबर्स पंजीयन नहीं थे उनको भी रिक्वेस्ट की। कल भी हम लसाड़िया में हमारा जो मिशन लसाड़िया का कार्यशाला थी उसमें भी हमने रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ लें, इसमें पंजीयन कराएं। ऑलमोस्ट हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट तो अधिकांश तो निःशुल्क ऑटोमेटिक कैटेगरी है जिनका पंजीयन हो चुका है, लेकिन अभी भी जिले में 2,00,000 परिवार हैं जिनका पंजीयन होना चाहिए था, जिसमें से मोटे तौर पर अभी 75,000 परिवारों को भी पंजीयन हुआ है। 1,25,000 परिवार अभी भी पंजीयन तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत जो दुर्घटना सहायता की योजना थी उसमें भी 5,00,000 का कवरेज इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि ऐसे बीमित परिवार को दुर्घटना होने की अवस्था में 5,00,000 तक का मुआवजा दे है। तो कुल मिलाकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 15,00,000 तक के लाभ किसी भी परिवार को मिल सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें प्रत्येक परिवार इसको जो पंजीयन करावे जिससे कि कोई समय का भरोसा रहता नहीं, किसी पर कोई विपरीत स्थिति या कोई पीड़ित होता है तो उस योजना में अगर सुविधा है तो उसका निःशुल्क इलाज हो जाता है, जैसा कि बच्चे का हुआ है। मैं पुनः गीतांजलि हॉस्पिटल का और आप सभी का हमारे मीडिया के साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ने ये चीज बहुत ही आसानी से समझा दी, पर ये जितनी आसानी से समझाई ये उतनी मुश्किल थी करना। ज्यादातर सर्जन या जो डॉक्टर होते हैं वो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से आने के बाद सर्जरी की रिस्क नहीं लेना चाहते, वो देखते हैं कि प्रोग्नोसिस पुअर होगा, बचेगा नहीं बचेगा, मैं क्यों रिस्क लूं, मैं क्यों अपना स्कोर कम करूँ सक्सेस रेट का। तो उसके अंदर वो सोचते हैं कि कंजर्वेटिव ही ट्रीटमेंट करते हैं जो होगा भगवान की मर्जी से देखा जाएगा। पर इन्होंने और उनकी टीम ने ये रिस्क ली कि नहीं जैसे पॉसिबिलिटी हम बच्चे को बचा सकते हैं तो सर्जरी करने चले गए। सर्जरी करी, सर्जरी के बाद लगा कि मुश्किल है इसका बच पाना, तो सबसे रिस्की प्रोसीजर था, एक सबसे डिफिकल्ट प्रोसीजर था जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास में, बट वो कुछ फिर भी किया और ये भगवान की कृपा है और हमारी टीम का पूरी मेहनत है कि ये बच्चा बच पाया। लिटरली जिसकी गर्दन दो बार बंद हो चुकी है इसको वापस जिंदा करना एक चमत्कार ही है जो उसके साथ में हुआ है, और इसके लिए मैं
बहुत थैंकफुल हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें तो ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसके कारण आप देखिए कि इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है ये एक्सेसिबल हो पाया एक आम आदमी कैबल आदमी के पास। ये जो आप एक्मो मशीन की हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो ये जयललिता जी को लगी थी जब वो सीबीएसई चेन्नई के अंदर और अमेरिका से डॉक्टर आ रहे थे उनको यहाँ पे ठीक करने के लिए। अगर आप अपनी मेमोरी को देखें तो वो कब तकरीबन एक आध महीना एक्मो मशीन के अंदर थी। हम मानते हैं कि वेंटिलेटर से बचना मुश्किल है कि आप 50% के आसपास बचता है, पर एक्मो मशीन से निकलना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है, तो वो 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है उससे निकलना। पर ये चीज़ हो पाई और ये चीज़ सरकारी योजना के द्वारा हो पाई। किसी ने 8-10 लाख 20 लाख रुपये खर्च नहीं करे किसी ने या इंश्योरेंस कंपनी ने या किसी अमीर आदमी ने, ये एक ही बहुत मामूली परिवार ने सरकार की इस योजना के कारण इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया है। ये सबसे मुख्य बात है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं इसके साथ में। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि हमें आगे कार्डिक ट्रांसप्लांट के अंदर भी इसी तरह मदद करते रहें जिस तरह से हमने आज तक करते आए हैं, और हम पहला कार्डिक ट्रांसप्लांट सेंटर बनना चाहते हैं आउटसाइड जयपुर, जिसकी हम आप सबसे दरखास्त करेंगे आप हमारी मदद करें। इसके ट्रांसप्लांट की दिशा में रखा गया है प्रथम कदम है, उसको हमको एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। दूसरा, जिस पे ये सर्जरी हुई है वो निर्धन वर्ग का बालक था। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निरोगी राजस्थान की जो परिकल्पना है कि हर एक निर्बल निर्धन व्यक्ति तक की पहुंच में ये चिकित्सा सेवाएं आएँ, एक वक्त ऐसा था कि जब सिर्फ उसकी पहुँच PHC तक थी, पैरासीटामोल गोली हो गई शुरू हो गई वहाँ तक पहुँच, वो बेचारा गरीब व्यक्ति अपने सीने में दर्द लेके बैठा रहता था। तो दर्द को मुख्यमंत्री महोदय ने समझा और ये जो एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह, जैसे पूर्व के वक्ता भी कह चुके हैं, इसको आप ही हमारा माध्यम है जन जन तक पहुँचाएँ, लोगों को जागृत करें। जो लोग इस लाभान्वित होने योजना से बचे हैं जो उसमें पंजीकृत नहीं है, अधिक से अधिक पंजीकृत करें और उनको सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ दिलाएं। हाँ, और एक्मो मशीन हमने डाया 12 दिन में, क्योंकि इसको क्या टेम्परेरी डिस्कॉन्स, एक तो क्या कार्डियक अरेस्ट हो चुका था उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कमजोर हुई, दूसरा इसका जो हार्ट की डिजीज थी उसकी वजह से पहले हार्ट कमजोर था, तीसरा ऑपरेशन कर फिर से थोड़ा हार्ट कमजोर हो, तो इसकी वजह से हार्ट टेम्परेरी कमजोर मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना निःशुल्क हुआ है, इसमें मरीज का एक रुपया भी नहीं लगा। और अगर मान लो किसी के पास चिरंजीव योजना नहीं है, उस मरीज का ऐसा इलाज हो और उसको एक्मो पर डालना पड़े तो कम से कम उसका मिनिमम 7-8 लाख रुपये खर्चा हो गया। पेशेंट हमारे सामने बैठा है, दिस चाइल्ड वाज नॉट एबल टू वॉक, ये बेड पे लेटा रहता था, ठीक है, थोड़ा सा भी चलता था तो उसको बैठना पड़ता था। इसके अलावा तो मेरे साथ ही बैठे थे, उसकी मदर उसके मदर पास में ही है। ट्रांसप्लांट कोड चिरंजीवी में आने वाला राजस्थान पूरे देश का पहला प्रदेश है, जबकि ये जनवरी फरवरी में डिस्कशन शुरू हुए और आपके संवाद आपके जो प्रश्न उसका रेफरेंस देते कह रहा था कि राज्य सरकार बहुत प्रोएक्टिव है इस चीज़ को लेकर। अगर टैरिफ में डिफरेंस है तो समय समय पर वो बैठ के बातचीत करते हैं अस्पतालों से, और गीतांजलि उस पैनल के अंदर एक वन ऑफ सेलेक्टेड मेडिकल कॉलेज जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि हम क्या रेट रखें कितना रखें, और संवाद होता है, हम वाद विवाद की स्थिति पर पहुंचते ही नहीं, संवाद होना जरूरी है, वो संवाद कर रहे हैं और बहुत अच्छा संवाद कर रहे हैं। अभी भी पिछले एक सप्ताह के अंदर ऐसे 4-5 मीटिंग हो चुकी, अगले सप्ताह भी हो रही है, जिसके अंदर जयपुर की टीम और हमारी टीम बैठ के जो टैरिफ है उसके ऊपर डिस्कशन करती है
क्या इसका कॉस्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या प्रावधान रखने चाहिए। सो एक समय था जब रेट डिक्लेयर कर दी जाती थी और डिस्कशन नहीं होता था। अब इसको पिछले कुछ 2-3 वर्षों से ये मैंने देखा है कि ये प्रक्रिया थोड़ी अच्छी सुधरी है। ये इसके लिए राज्य सरकार जो है मैं कहता हूँ बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये डिस्कशन मोड पर आ गया और हर चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है कि कोई नया प्रोसीजर है, नया ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट कुछ प्रोसीजर डिलीट भी करने की जरूरत है क्योंकि नए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये बहुत अच्छा कदम है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का। ठीक लग रहा है, आपने कभी सोचा था कि आपके साथ ऐसी बड़ी सर्जरी हो गई? नहीं सोचा था? आगे क्या करना चाहते हो? वो तो करेंगे, मजदूरी तो हम भी कर रहे हैं, बट ये बताओ कि आगे बढ़ के अब सोचा कि आपको जीवनदान मिला है राज्य सरकार के इस कदम से, डॉक्टर गांधी की सर्जरी से, गांधी के इस सर्जरी करने से। बंसीलाल जी, आप क्या चाहते हो आपको बच्चा करे आगे बढ़े? पढ़ेगा बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई भी करेगा। और जरूर मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा देश के नागरिक बनते हुए देश की समृद्धि में आप योगदान कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो आपको मिला है वो बोलिए। छोटा मोटा कार करना का कार कारीगर का भी नहीं कारीगर का अच्छा कारीगर पूरा नाम क्या आपका? नाम नाम बंसीलाल बंसीलाल प्लाट 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 पालियाखेड़ा के पास में स्कूल है आपके? हाँ। बारहवीं तक ये कौन सी क्लास में पढ़ता? ये पढ़ता था क्या? हाँ पढ़ता था ना। भी गाँव कौन सा है? गोरन 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 पलासिया के पास है क्या? नहीं, ये पालियाखेड़ा से सीधा मैंने जाता है। आपको पता कब चला इस टाइम प्रॉब्लम है? सर 12 महीने हो गया। अच्छा, हाँ। आपने कहीं क्यों गए अस्पताल जाओगे? सर बटे से एक ठाकर ने और करवाया था ऑपरेशन, भूपेंद्र है बड़ा, हाँ। मैं ऑपरेशन कराया सर के पास बड़ा की तैयार नहीं लगी नहीं लगा सर जू जा नहीं बड़ा कही कमी जगह जाओ अल्लाह भेजा गई गीतांजलि भूपेंद्र वहाँ से मिले जा रहा गए हम जा रहा हूँ डॉक्टर है डॉक्टर साहब ने वहाँ से उससे पहले आपको पता नहीं था कि फ्री इलाज होता है? नहीं। ओके मर जाएगा यू सो सर सीधे डॉक्टर साहब ने बताया सर। अरे हाँ डॉक्टर साहब ये पूरी टीम लगी रही है इसके साथ पूरी रात नींद निकाली नहीं डॉक्टर साहब साथ में रहे सर एक महीना भी क्यों 6 दिन वार्ड में रहो पूरा आईसीयू में रखा इसको डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद आप ठीक है सर अब इसको पढ़ाना। हाँ ठीक है सर पढ़ाएंगे सर मजदूरी करूँगा लेकिन हाँ मजदूरी नहीं कर पाएगा सर कुछ तो वापिस कर दूंगा इसको पढ़ाएंगे सर अच्छा पढ़ रहा है तो हाँ पढ़ाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। बड़ा वाला है छोटा वाला? बड़ा क्या बेटा पढ़ाई करता है यार डूबा हमारे साथ हमारे डॉक्टर गांधी साहब की टीम के सदस्य लोग जो आए हैं एक बार इधर आ रहे हैं डॉक्टर गुरप्रीत तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की तो एक्मो मशीन का सक्सेस टू क्रेडिट है गोज टू आवर 3 पर्सनस
भैया।